प्रॉब्लम 45 आपसे कह रहा है व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर। दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर होंगे, इसकी कंडीशन क्या? अगर मेरे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है इनका, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू देकर जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू देगा जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वैल्यू देगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट करते हो तो आप कहते हो ए बी कोस जीरो डिग्री। जीरो क्यों है? क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है, पैरेलल है, कोलिनियर है। जब कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा होगा वो जीरो डिग्री बन रहा होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ए बी आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री से। तो ए बी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर आप ए क्रॉस बी की बात करोगे तो ये होता है ए बी साइन थीटा। आपको पता थीटा कितना है? जीरो डिग्री है, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कि नहीं दो कोलिनियर वैक्टर्स का तो वो जीरो निकल कर आता। तो ये इसकी कंडीशन हो गई कि अगर आपको दो कोलिनियर वेक्टर दिखाने हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर आना चाहिए हर हाल में, तभी वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। होप्स मेरी बात समझ गए होगे आप।